एलएसए के ऊपर हमने जो आज घटना देखी है और जो पहले हुई है, इनका मेन कारण यह है कि वहां पे अभी तक कोई भी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्ड नहीं बना, और ये जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं ये परसेप्शन की वजह से आती है, क्योंकि जब इसकी ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी तो उस टाइम जो नक्शे के ऊपर एक लाइन खींची थी, अगर उस पेंसिल की लाइन को देखा जाए तो जो उसकी विड्थ है, जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं लैंड के ऊपर तो वो कम से कम 5-6 किलोमीटर उसकी मोटाई हो जाती है, उसकी चौड़ाई हो जाती है। तो ये चाहे वो हमारे सोल्जियर्स हों या उनके सैनिक हों, तो इनकी झगड़ा जो होता है वो परसेप्शन के ऊपर हो जाता है। और दूसरी बात जो इसके साथ कनेक्ट होती है वो ये है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो 4 कदम आगे हमारी जो जमीन है वहां पे उसके अंदर आ जाते हैं, फिर नेगोशिएशन की बात करते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ये उनकी जो एक पॉलिसी है इस्लामिक अटैक की, कि थोड़ा थोड़ा करके हम दूसरे देशों की जो टेरिटरी है उसको ले ले, तो उसकी वजह से एक ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है इनके साथ, एक बड़ी समस्या है, ये समझते नहीं है। इनको रोकने के लिए हमें अभी जैसे हमारे सैनिकों ने एक बहुत ही जबरदस्त जिसे कहते हैं मुंहतोड़ जवाब दिया है, यही पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और साथ में जैसे हमारे सी रूट्स हैं मलाका के थ्रू जाते हैं, जहां जितनी शिपिंग होती है टूवर्ड्स चाइना फ्रॉम मलाका स्टेट, उसके ऊपर भी हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको दबाना पड़ेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है हमेशा आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। हमने पहले भी देखा है गलवान के अंदर इन्होंने किया, अब फिर आज कर तावांग के अंदर कर दिया है, क्योंकि अगर तावांग का एरिया देखा जाए तो बहुत ही वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।